परंपरागत खेती को छोड़कर पूर्णिया के एक युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपना अलग खेती करने को सोचा है, और ये पूर्णिया के ही युवा हैं। ज़्यादातर आप अभी के ज़माने में देखते होंगे कि अभी के किसान अक्सर वो परंपरागत खेती पर ही निर्भर रहते हैं। वो सीजन सीजन पे अलग अलग फसलों की खेती करते हैं जिससे उनकी आमदनी हो पाती है। ऐसे में पूर्णिया के एक ऐसे युवा किसान हैं जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ा है और अपने खेतों में ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। और ये ड्रैगन आप देख सकते हैं, ये ड्रैगन फ्रूट है। हालांकि इसके ये पौधा अभी इन्होंने लगाया ही है, अभी कुछ दिनों में ये फल देगा। हम हर बात हम जानेंगे इनसे और ये कुछ बताएंगे हमें, और ये कब से ये खेती करने को सोचा, और इससे पहले ये क्या करते थे और किस तरह की खेती करते थे, और ये ड्रैगन की खेती करके इनको कैसा लग रहा है और क्या उम्मीद कर रहे हैं, हर बात पर हम जानकारी लेते हैं। कब से कर रहे हैं आप ये ड्रैगन फ्रूट की खेती? ये नवंबर 2023 में इसका प्लांटेशन कम्प्लीट किया। अच्छा, फिर इससे पहले क्या? इससे पहले तो मकई और मकई भी हम नहीं करते थे, हर साल खाली ही रहता था। आलू पे हम आश्रित थे ज़्यादा, आलू क्योंकि उसमें मेहनत कम लगता था। हम अपना दुकान करते हैं, उसी में पर परिवार चलता है, तो उसी में ज़्यादा दिमाग रहता था कि किसी तरह, क्योंकि खेती का भविष्य नहीं है, मकई आलू से चलने वाला नहीं है, पेट किसी का नहीं चल सकता, ये फाइनली सब जानता है। अच्छा, छोटा सा एक फल का दुकान है हरदा बाज़ार में, इससे हमारा घर परिवार चलता है, तो उसी पे ज़्यादा फोकस रहता था। उसके बाद हम मोटा 2017 से रिसर्च कर रहे हैं यूट्यूब में वगैरह वगैरह से कि किस तरह से इसका खेती किया जाए, और उसको फाइनली 2023 में इसको हम नवंबर में प्लांटेशन किए। कहाँ से इसका फिर जानकारी मिला आपको? जानकारी जो हम फल बेचते हैं तो दो किसान था, एक राकेश जी करके थे जो दुकान में ड्रैगन बेचते थे, तो उन्हीं से पूछे किस तरह से लगाया गया, तो वही बताए कि आपको मदद करेंगे हर संभव जो भी होगा, तो उसी के थ्रू ये का प्लांट भी आया है, और प्लस लगाने में भी उनका सहयोग था। अच्छा, आते जाते रहते थे, बहुत अच्छे आदमी है, उसी के थ्रू हम उसको भी प्लांटेशन करते हुए इसमें कर रहे हैं काम। क्या उम्मीद से लगाए हैं आप ड्रैगन की खेती? कि कुछ बेहतर हो जीवन, थोड़ा सा और बढ़िया हो, क्योंकि सर विगत चार साल से को 50,000-60,000 करके नुकसान ही लग रहा आलू में। अच्छा, और चार साल में लगातार हम नुकसानी खा के हम अंत में हम हिम्मत हार गए कि अब हमसे ये खेती नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी कमाते हैं फल दुकान से यहाँ लगाते हैं वो ऊपर नहीं उठता है। अच्छा, और इसीलिए हम इस खेती को छोड़ते हुए परंपरागत खेती अपने करेंगे। नहीं सर, वो बेहतर चीज़ नहीं है, यहाँ के किसान किस स्थिति में करते तो हमको तो पता नहीं है, लेकिन हम चार साल किए पापा जी के गुजरने के बाद, चार साल हमको नुकसान ही लगा। अच्छा, कितना एकड़ में होगा आपका ड्रैगन खेती? मतलब 2 एकड़ में है। ये कितना दिन में तैयार हो जाएगा? यह तो ऐसे जो लगाए हैं राकेश भैया जो हैं, जो जिनके माध्यम से हम लगाए हैं, उनका कहना है कि दूसरे साल से फल देना चालू कर देगा। अच्छा, और हम यूट्यूब में अगर रिसर्च करते रहते हैं तो वहाँ से भी पता चला है, वहाँ से भी हमको जो हमको संज्ञान मिला है कि 2 साल में कुछ फल ही कुछ इससे आना चालू हो जाएगा, अगर अच्छा। बढ़िया से हम इसका सेवा करके आगे बढ़ा दें। हम जानकारी लिए हैं कि ये मिनिमम अभी तक रिसर्च में 25 साल का ये खेती बताया जा रहा है, तो 2 साल के मेहनत के बाद इससे कुछ आना चालू हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। और मेरा जो काम है नेसेसरी के जो काम है फल का दुकान करते उसमें भी हम समय दे पाएंगे, क्योंकि इसमें मेनली 4 महीना का ही काम है, उसके बाद इसमें कोई ज़्यादा विशेष जरूरत नहीं पड़ता है देख रेख करने का, सिर्फ 4 महीना सेवा, उसके बाद साफ सुथरा रखना है खेत को। वो 25 साल तक अच्छा यही उम्मीद किए हैं कि कुछ अच्छा हो जाए तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा सर, जीवन यापन के लिए। ये कितना पौधा होगा इसमें? 3500 पौधा लगाए हैं। 3500 पौधा? हाँ, 3500 पौधा। इसका देख रेख काफ़ी कर रहे हैं पूरा अच्छा से? हाँ, देख रेख मॉर्निंग में 2 घंटा आते हैं, और अगर दिन में किसी टाइम समय मिल जाता है तो आते हैं, नहीं तो फिर दुकान में ही रहते हैं। खाद पानी देने का जरूरत इसमें ना है? नहीं, देना पड़ता है सर, अभी तक हम जैविक में ही हैं। अच्छा, गोबर खाद मेनली हम अभी तक डाले हैं। हाँ। और फंगिसाइड का स्प्रे वगैरह करते हैं, जो जो हमको पता चलता है यूट्यूब से उस करते रहते हैं,
और जो भैया जी है जिनके माध्यम से वो भी बताते आते हैं, महीने दो महीने में आते हैं, एक बार चेक चेक करके जाते हैं, तो उसको भी जो जैसा सुझाव दिया जाता है वैसा किया जाता है। युवाओं को क्या कहेंगे आप? युवाओं को देखिए, युवाओं के लिए ये तो काम अच्छा है, भविष्य के लिए कर सकते हैं आप लोग, कीजिए मेहनत, कीजिए मेहनत करने से। अगर देखिए सब तो पूर्णिया में हम जो दो जगह देखे हैं, एक रुपोली में भी हम गए थे, वहाँ भी देखे बड़ा अच्छा सक्सेस पौधा है, और गेराबरी में एक जगह देखे गए थे, वहाँ भी देखे अच्छा है। तो आप लोग कर सकते हैं, ये जितना ज़्यादा किया जाएगा तो उतना मार्केट में फैलाव होगा, यहाँ का आदमी अभी कम चिन रहा है, जैसे जैसे मार्केट इसका पकड़ेगा तो इसमें तो अच्छा रहेगा सबके लिए। क्या नाम हो आप? पंतोष कुमार दास। घर? घर सत्संग बिहार मनगा, वार्ड नंबर 9। तो आपने सुना, ये पूर्णिया के ही युवा किसान थे। इन्होंने कहा कि यह पिछले 4 वर्षों से आलू की खेती में लगातार घाटा खा गए, जिस कारण इन्होंने पारंपरिक आलू की खेती को छोड़कर इन्होंने नई खेती ड्रैगन की शुरुआत की है। और ये कहते हैं कि ड्रैगन की खेती एक बार करने से 25 साल तक इन्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी और इसका आमदनी भी बेहतर चलता रहेगा। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकल 18 पूर्णिया के लिए विक्रम।